मैं हूँ गरिमा। स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल गरिमाज यमी फूड रेसिपीज पर। और इस चैनल पर मैं हमेशा शेयर करती हूँ बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, साथ ही रेसिपी वीडियोस। तो अगर आपको वो रेसिपी वीडियो अच्छे लगते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबाइएगा। साथ ही एक बात और कहना चाहती हूँ कि मेरा एक और चैनल है गरिमाज ब्लॉग्स के नाम से। जी हाँ, गरिमाज ब्लॉग्स। तो सर्च कीजिए गरिमाज ब्लॉग्स और सब्सक्राइब कीजिए मेरे उस चैनल को, जिससे कि आप जान सके मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में, साथ ही मेरी डेली लाइफ स्टाइल के बारे में कि मैं क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, साथ ही डेली छोटी छोटी जो रेसिपीज बनाती हूँ उन्हें मैं शेयर करती हूँ उस चैनल पर, जो मैं इस चैनल पर शेयर नहीं कर पाती। तो सब्सक्राइब कीजिए गरिमाज ब्लॉग्स को और मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने गोल वाली अरबी ली है, इस तरह की गोल अरबी। और अरबी को अच्छे से धुल कर इसे उबाल लिया है। उबालते समय ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा सीटियाँ नहीं लगानी है, एक सीटी या दो सीटी लगाएं। पानी थोड़ा सा ज़्यादा रखें, अरबी जिसमें डूबी रहे तो अरबी काफ़ी अच्छे से उबल जाती है। और अभी अरबी के छिलके निकाल लिए हैं और इन्हें मैंने एक बार साइड रख दिया है। तो आइए, इससे पहले हम क्या करेंगे, थोड़े मसाले तैयार कर लेते हैं। तो सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले ली है एक कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल दिया है तेल। तेल को गर्म होने देंगे। तो अभी तेल गर्म हो गया है, इसमें मैं सबसे पहले डालूंगी जीरे का तड़का। और जीरे को अच्छे से तड़का लेती हूँ, जीरा तड़क जाए। तो इसमें मैं डालूंगी क्रश की हुई अदरक, इसके साथ थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं, दोनों को थोड़ा सा भून लेंगे। और अब इसके बाद मैं ले लूँगी सिंपल टमाटरों का पेस्ट, जिसे मैंने मिक्सी में पीस लिया है। अब मैं टमाटरों को थोड़ा सा धीमी आंच पर भूनूंगी, पर इसके पहले हम इसमें डाल देंगे कुछ मसाले। तो मैं यहाँ पर मसाले ऐड कर देती हूँ। सबसे पहले मैं ले रही हूँ धनिया का पाउडर, हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा ही लिया है हल्दी का पाउडर, आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। लाल मिर्च का पाउडर, साथ ही नमक भी डाल देंगे जिससे कि टमाटर अच्छे से भून जाएंगे। अब इस मसाले को मैं अच्छे से मिक्स करूंगी और मीडियम आंच पर छोड़ दूंगी ढककर अच्छे से भुनने के लिए, क्योंकि टमाटर में लिक्विड ज़्यादा है तो इसे भुनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जब तक मसाला भुन रहा है तब तक मैं यहाँ पर आपको कुछ खड़े मसाले दिखा देती हूँ, जिसमें मैंने लिया है छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च के दाने, दालचीनी और ये दो लौंग है छोटी छोटी। इसके अलावा मैं इसमें लूँगी थोड़ी सी जीरा। और इन सबको मिक्सी में हम एक दरदरा पाउडर तैयार करेंगे। मिक्सी में मैं इसे पीस रही हूँ, इसे दरदरा पीसूँगी। तो यहाँ पर मिक्सी के जार में एक दरदरा पाउडर बनकर तैयार हो गया है, इसे मैं ढक कर रखूँगी, क्योंकि जो इस तरह के मसाले होते हैं, खड़े मसाले जिन्हें हम दरदरे रूप में पीसते हैं, सूखा पीसते हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी खोल कर ना रखें जब तक सब्जी में ना डालना हो, क्योंकि इनका फ्लेवर निकल जाता है तो ये सब्जी में अच्छा स्वाद नहीं देते। इसे ढक कर रखेंगे तो फ्लेवर और खुशबू बरकरार रहेगी मसालों की। अब एक बार चेक कर लेते हैं टमाटर के मसाले को। अभी मसाला थोड़ा सा और भूनूंगी मैं, क्योंकि लिक्विड दिख रहा है मसाले में। तो वापस से मैं इसे ढक्कन लगाकर छोड़ देती हूँ। ध्यान रखें कि आंच मीडियम या फिर कम रखें, तेज ना रखें मसाला भूनते समय। तो मसाला भून रहा है, तब तक ये कम और करेंगे कि अरबी जैसे कि उबाल कर रखी है तो इसे हम इस तरीके से हल्के से टुकड़ों में फोड़ लेंगे, जैसे कि हम झोल वाली सब्जी में आलू डालते हैं उतना ही। इसे फोड़ना है, इसे काटना नहीं है, इस तरीके से फोड़ कर और हम रख लेंगे। बहुत ही हल्का सा मैश करेंगे। जितने में कि इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी अरबी अच्छे से मैश हो गई है, इसे मैं साइड रख दूंगी। तो अभी मसाले को भूनते हुए 5 मिनट से ऊपर हो चुके हैं। तो यहाँ पर अब मसाला हमारा भुना हुआ दिख रहा है अच्छे से। आप देख सकते हैं कि मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है, साथ ही अच्छे से थोड़ा ड्राई भी दिख रहा है। तो मसाले भुनने के बाद अब मैं यहाँ पर डाल दूंगी ये मैश की हुई अरबी। यहाँ पर अरबी को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी अरबी को मसालों में मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर डाल देंगे ग्रेवी के लिए पानी। ग्रेवी मैं थोड़ा पतला रख रही हूँ। आंच को तेज करेंगे, अच्छे से मिक्स कर दूंगी।
ग्रेवी मुझे थोड़ी सी कम लग रही है, मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ क्योंकि अरबी की सब्जी है और मैश किया है तो अभी थोड़ी जल्दी से गाढ़ी होने लगेगी। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स करेंगे। सब्जी में एक उबाल आने देती हूँ। यहाँ पर अभी सब्जी में अच्छे से उबाल आने लगा है, मैं डालूँगी अब यहाँ पर जो दरदरे पीसे मसाले थे, और इस मसाले से इतना अच्छा फ्लेवर आता है इस सब्जी में कि जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। ये जो खड़े मसाले हैं इन्हें दरदरा पीस कर जब इस तरीके से डालते हैं ना तो सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो ये मसाले आप ज़रूर ट्राई करें, मसालों को बिल्कुल भी स्किप ना करें सब्जी बनाते समय। ये बहुत ही सीक्रेट टिप है इस तरह के झोल वाली सब्जी बनाने की, जिसमें कि गर्म मसालों की खुशबू बहुत ही बेहतरीन आती है। और इसे छोड़ रही हूँ 5 मिनट के लिए सिम आंच पर। 5 मिनट के बाद आपको दिखाऊंगी कि सब्जी कैसी बन रही है। तो सब्जी को पकते 5 मिनट हो गए हैं, मैं ढक्कन हटा देती हूँ और अभी आप देख सकते हैं कि सब्जी कितनी बेहतरीन बनकर तैयार हुई है। मैं गैस को बंद कर रही हूँ। इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया, अच्छे से मिक्स करूँगी और यहाँ पर अरबी की बहुत ही बढ़िया झोल वाली शानदार टेस्टी सी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। इस सब्जी को अगर पूड़ी से खाएंगे तो आनंद ही दुगना आएगा, या फिर रोटी के साथ भी आप इस सब्जी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। राइस प्रेमी है तो राइस के साथ एंजॉय करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, साथ ही वीडियो पर लाइक का बटन दबाइएगा। फिर मिलूंगे आपसे नई नई और टेस्टी रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।